हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास यहाँ पे फोर्ड इको स्पोर्ट्स आई हुई है। फोर्ड इको स्पोर्ट्स अब आपको पता है कि मार्केट में अब आ नहीं रही है क्योंकि फोर्ड अब चले गई कंपनी, लेकिन अब जो फोर्ड इको स्पोर्ट्स बची हुई हैं उसके अंदर जो है वो आज हम क्या करने वाले हैं वो हम बताते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो कॉम्पोनेंट है ये एरीज के कॉम्पोनेंट लगने वाले हैं, और यहाँ पे एक एल्पाइन की कंपोनेंट जो हम यूज़ करने वाले हैं S65C, एक ब्लॉपंग की किट यूज़ करेंगे। इसको चलाने के लिए जो है हम एम्प भी यूज़ करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का एम्प यूज़ करेंगे हम इसमें, जो कि हम लगाने वाले हैं इन्फिनिटी का रेफरेंस का 5.1 चैनल एम्प, जो कि इसको काफ़ी अच्छा आउटपुट देगा। जैसे कि हम आपको बताएं, ये जो गाड़ी है इसके अंदर टच स्क्रीन कुछ इस तरीके की आती है, और अभी जो है पूरा ओपनिंग चल रही ताकि साउंड आउटपुट जो है, क्योंकि स्क्रीन से ही लेंगे हम और उससे एम्प में देंगे, एम्प से फिर सारे जो है हम अपने स्पीकर से उसके अंदर देंगे। तो यहाँ पे देखिए देव भैया ने पूरा इसका जो एम्प वगैरह वो पीछे का जो आप देख रहे हैं यूनिट, इसको ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद इसमें जो है पूरा साउंड सेटअप होने वाला है अभी, तो बहुत तगड़ा साउंड इसके अंदर से निकलने वाला है। तो देव भैया आप क्या कर रहे हैं अभी? अब इसके हम वायरिंग कर रहे हैं स्पीकरों की। जी हाँ, सप्लाई डालेंगे जी एम्पलीफायर के लिए। वायरिंग कौन सी यूज़ करेंगे कुछ दिखाना चाहिए? ब्लॉपंग की वायरिंग। तो चलिए हम आपको पहले ब्लॉपंग की वायरिंग भी दिखाते हैं कि किस तरीके की हैवी वायरिंग, क्योंकि हैवी सेटअप होने वाला है, तो इसके लिए वायरिंग को भी जो है हैवी हमें लगाना पड़ता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको वायरिंग की, और वायरिंग दिखाते हैं कौन सी यूज़ करना है। यहाँ पे है जो ये ब्लॉपंग की वायरिंग है, स्पीकर वायर में हम ये वायर जो है ये यूज़ करने वाले हैं, और इसी के साथ ही जो ब्लॉपंग की एम्पलीफायर किट होती है ये हम ब्लॉपंग की एम्पलीफायर किट को यूज़ करेंगे, और ये दोनों किट को यूज़ करते हुए पूरा जो साउंड सेटअप होने वाला है वो अभी लगने वाला है। ये अगर हम आपको बताएं तो ये 14 गेज की यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये कुछ इस तरीके की केबल होती है और पूरी कॉपर की होती है, तो जो इसका साउंड आउटपुट आता है वो बहुत अच्छा निकलता है इससे, क्योंकि प्रॉपर कॉपर की वायरिंग है, और वायरिंग इसी सेटअप को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम लोग ये ब्लॉपंग की वायरिंग को यूज़ यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन्फिनिटी का 5.1 चैनल एम्प, जो कि आप देख सकते हैं 75 वॉट का RMS एक स्पीकर के लिए देता है, 500 वॉट RMS ये जो है आप देख सकते हैं 2 ओम्स पे देता है एक चैनल को, और चार चैनल को जो देगा ये अपना ये 75 देगा। यहाँ पे हम आपको दिखाएं इस एम को, आप ये देख सकते हैं पूरे इसके फ्यूजेस वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे, और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यहाँ से होती है, फ्रंट की, सब ऊपर की, रेयर की, पूरी जो है सब कुछ दी हुई है। जो इसका नंबर है 7005A इन्फिनिटी रेफरेंस सीरीज़ का एक एम्प है जो अभी हम लगाने वाले हैं। इसी के साथ ही एक छोटी सी चीज़ और दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें जो है एम के अंदर ही ये जो है आपको सब ऊपर को एडजस्ट करने के लिए आपके एक बेस कंट्रोलर भी मिल जाएगा आपको, ये कुछ इस तरीके का बेस कंट्रोलर रहने वाला है, और ये पूरा एक ही एम के साथ ही मिलता है अपन को। तो अब जो है गाड़ी की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें जो स्पीकर्स लगने वाले थे उसमें एक छोटा सा चेंज आया है, जो आगे हम लोग अपने एरीज के कंपोनेंट लगाने वाले थे वो, क्योंकि कांच को जब डाउन करेंगे तो पीछे जो है वो टकरा रहा था। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कितना गैप है इसके अंदर, तो वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम लेके आते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं ये जो है कांच बहुत ही पास में है, इसलिए जो है इसमें हम लोग लगा नहीं पा रहे थे, क्योंकि कांच की जो पोजीशनिंग है वो इतनी पास में कि स्पीकर का जो मैग्नेट था वो टकरा रहा था। तो हमने चेंज करके जो है इन्फिनिटी रेफरेंस सीरीज़ की कंपोनेंट किट इसके अंदर डालने वाले हैं, 450 वॉट का जो मैक्स आउटपुट निकालती है, और अभी जो है पूरी वायरिंग जो है कर देते हैं, और फिर इसके बाद जो इसका आउटपुट होगा वो हम आपको सुनाएंगे किस तरीके का आउटपुट निकलने वाला है इसमें। तो यहाँ पे हमने जो है पूरा इसका स्पीकर का सेटअप, यहाँ पे एम का सेटअप पूरा कर दिया है, यहाँ पे जो पीछे है सीट के नीचे इन्फिनिटी का एम्प जो है इसका सेटअप कर दिया है, साउंड को सेट भी कर दिया है। अब बात आती है इसके साउंड आउटपुट की, किस तरीके का साउंड आने वाला है। तो अब हम अपना BT कनेक्ट करते हैं इसमें और आपको सुनाते हैं एक बहुत अच्छे सॉन्ग्स जो कि NCC होने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन किस तरीके की साउंड क्वालिटी आने वाली है वो अब हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पे हम कार के अंदर आ गए, एक NCS सॉन्ग आपको बजा के दिखाते हैं इसके अंदर किस तरीके का आउटपुट आता है। तो चलिए सुनते हैं इसका सॉन्ग आउटपुट। And love is all we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. We'll
इस गाड़ी का आउटपुट, अगर आउटपुट अच्छा लगा, आपको म्यूज़िक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए साउंड सेटअप्स और नए नए जो एक्सेसरीज हम लोग लगाते हैं गाड़ी के अंदर और जो भी हम काम करते हैं वो दिखाते रहेंगे आपको अपने वीडियोज़ के थ्रू। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।